मेहंदी शो की राखी बांध रहे हैं ऐसे ही दे देंगे तो भैया वहां पे जाके खुद ही पहन लेंगे। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दगड़े होते हैं प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी आ गई हो एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 8 बजे से। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। बाकी मौसम की बात करें तो आजकल बारिश बिल्कुल बंद हो गई है, लगता है बरसात ख़त्म हो गया है। बाकी अब मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी, तब तक आप लोग देखिए आज का मौसम। और आज हमारे घर पे आने वाले हैं कोई मेहमान, और आप लोगों को भी मिलाऊंगी मैं अपने मेहमान से। आज के नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज, और उसमें है बीन्स, आलू, गोभी, शिमला मिर्च। तो अब करती हूँ मैं जल्दी जल्दी से सब्जी की कटिंग। ये हमारी लगी है रक्षाबंधन की मेहंदी, और आज ये आरुई स्कूल ने जा रखी है, तो ये इसके हाथ पे बिन्नू के नाम की मेहंदी लगी है। और ये मैंने लगा ली है अपने वाले हाथ पे, घसूड़ बसूड़ हो गया है ये उल्टी तरफ से, और ये वाली उल्टी तरफ से रक्षाबंधन की शगुन की मेहंदी लगा ली हमने। सबके हाथ पे लगा दी मैंने थोड़ा थोड़ा करके, ये दी के हाथ पे और ये वाली आरुई के हाथ पे। आरुई के हाथ पे कलर आने लग गया है अब ये, और इनके हाथ पे भी लगा रखे हैं पर ये दिखा नहीं रहे। ये थोड़ा सा लगा रखा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक ही कीप थी तो एडजस्ट करनी पड़ी। और ये मैं अपने हाथ पे यहाँ पे हार्ट का शेप बना रही थी पर वो बना नहीं। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे दुकान साइड राखियाँ लेने के लिए। आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि आज दुकानों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है राखियाँ छाँटना। तो चलो चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं राखी की दुकान पे, और ये इतनी सारी राखियाँ लगी हुई है। आजकल सारी दुकानों में राखियाँ ही राखियाँ दिख रही है। हमने भी ले ली है यहाँ से कुछ राखियाँ, और इसका अभी भी मन नहीं भरा, अभी भी लेने पे लगी हुई है। ये हम लोग ले आए हैं राखियाँ। ये देखो बंदर। अभी हम लोग आ गए हैं मंडी, और आजकल साग सब्जी के भाव तो नीचे बैठ गए हैं। और भैया आ रहे थे राखी के लिए, पर रक्षाबंधन कल है, आज है भद्रा, इसलिए हम राखी बांध नहीं रहे हैं, ऐसे ही दे देंगे तो भैया वहाँ पे जाके खुद ही पहन लेंगे। तो ये हमने ला रखी थी राखी, और ये हमको मिल गया है गिफ्ट। तो ये लो कॉफी। और हम हैं 4 बहनें, तो उन दोनों के बदले की राखियाँ इसमें डाल रखी हमने, और ये हम दोनों के बदले की है। अभी भैया भी मिस्टर जी के साथ जा रहे हैं। बाय बाय।
चले गए हैं। ये आधी सेब ले जा। तो भैया लोग भी चले गए हैं, भैया चले गए हैं मिस्टर जी के साथ। वैसे रक्षाबंधन कल है पर उनके वहाँ पे आज ही मना रहे हैं लोग, तो भैया ने सोचा कि आज ही होगी यहाँ पे, तो इसलिए वो कल शाम को यहाँ पे आ गए थे। पर यहाँ पे भी और गांव साइड भी मम्मी लोगों ने कहा कि सब लोग कल ही मना रहे हैं, तो आज भद्रा है इसलिए आज नहीं लगानी है, तो आज हमने राखी नहीं लगाई और भैया को दे दी, तो वो वहाँ खुद ही पहन लेंगे कल ही। ये मिठाई का डब्बा भैया ने ला रखा था, तो इस पे लिखा हुआ है राजस्थान का स्वाद। डब्बा खोल के देखते हैं कैसी मिठाई है इसके अंदर, पर डब्बा तो खुल भी नहीं रहा है। ऐसी कौन सी मिठाई है इसके अंदर जो डब्बा ही नहीं खुल रहा है। ये तो ये है राजस्थानी मिठाई, देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। अब टेस्ट करके देखते हैं कैसी हो रही है। आज के इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।